दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कलर्स टीवी पर फिर एक बार एक नया सीरियल शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है प्यार के सात वचन धर्म पत्नी, जिसमें हमें अभिनेता फहमान खान देखने को मिलने वाले हैं, जिनके लव इंटरेस्ट में नजर आएंगी अभिनेत्री कृतिका सिंह, जो कि सीरियल में प्रतीक्षा का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी। जहां कृतिका सिंह अपने इस किरदार से सभी दर्शकों को दीवाना बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, कृतिका सिंह से पहले प्रतीक्षा के किरदार के लिए कई और अभिनेत्रियां रिजेक्ट हो चुकी हैं। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन्हीं अभिनेत्रियों से रूबरू कराने वाले हैं जो अभिनेत्री कृतिका सिंगर से पहले रिजेक्ट हो चुकी हैं। अगर जानना चाहते हैं आप भी, तो जुड़े रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। नंबर एक, सुरभि ज्योति। सबसे पहले बात करते हैं नागिन सीरियल में बेला का किरदार निभाती नजर आ चुकी अभिनेत्री सुरभि ज्योति के बारे में। बता दें कि जब इन्हें प्यार के सात वचन धर्म पत्नी सीरियल में प्रतीक्षा के किरदार के लिए मेकर्स ने अप्रोच किया, तो ये प्रतीक्षा के इस रोल में फिट नहीं बैठ पाई, जिस वजह से सुरभि ज्योति प्रतीक्षा के रोल के लिए रिजेक्ट हो चुकी है। नंबर दो, जेनिफर विंगेट। अब बात करते हैं बेहद टू सीरियल में नजर आ चुकी अभिनेत्री जेनिफर विंगेट की, जिन्होंने बेहद टू सीरियल में जुनूनियत की सारी हदें पार कर दी थी। बता दें कि इन्हें भी मेकर्स ने प्रतीक्षा के किरदार के लिए अप्रोच किया था, लेकिन जेनिफर विंगेट स्क्रीन टेस्ट में पास नहीं हो पाई, इस वजह से ये भी इस किरदार के लिए रिजेक्ट हो चुकी हैं। नंबर तीन, कृतिका सेंगर। नंबर तीन पर नाम शुमार है कसम तेरे प्यार की सीरियल में तनु का किरदार निभाती नजर आ चुकी अभिनेत्री कृतिका सेंगर का, जिन्हें इस किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन फिलहाल ये अपनी फैमिली में इतनी ज्यादा बिजी है कि उन्हें किसी भी शो में काम करने का टाइम ही नहीं है, जिस वजह से ये भी इस किरदार के लिए रिजेक्ट हो चुकी हैं। नंबर चार, रीम शेख। कलर्स टीवी के सीरियल फना इश्क में मरजामा में पाखी का किरदार निभाती नजर आ चुकी अभिनेत्री रीम शेख भी प्रतीक्षा के किरदार के लिए अप्रोच हुई थी, लेकिन इन्होंने मेकर से स्क्रिप्ट में चेंज करने की डिमांड की और मेकर्स इस बात के लिए राजी नहीं थे, जिस वजह से ये भी प्रतीक्षा के रोल के लिए रिजेक्ट हो चुकी हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी अभिनेत्री प्रतीक्षा के रोल के लिए फिट बैठती? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।